Hello students, let's see this question. The question says all the elements of the oxygen family are non-metals, metalloids, radioactive या फिर polymorphic. So oxygen family group 16 को कहते हैं. इनमें जो elements आते हैं वो है oxygen, sulfur, selenium and tellurium. बाकी दो और होते हैं लेकिन वो radioactive होते हैं. ठीक है. So कह रहे हैं कि जो सारे elements हैं ये क्या हैं? किस नेचर के हैं? सारे नॉन मेटल्स नहीं है, क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, ये कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं. बट जबकि अगर पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम मेटालिक कैरेक्टर शो करने लग जाता है. ठीक है, तो ये सब एक ही नेचर के नहीं है. उसके बाद अगर मेटलॉइड्स की बात करें तो यस, ये मेटलॉइड्स भी नहीं है, इनके अंदर मेटलॉइड कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है. ठीक है, अगर थोड़ी बहुत अगर देख सकते हैं तो कभी सेलेनियम में देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल किसी और में नहीं मिलेगी. नॉट सेलेनियम, इट इज गोइंग टू बी टेल्यूरियम. टेल्यूरियम के अंदर थोड़ी मेटलॉइडिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, बाकी सबके अंदर नहीं मिलेंगी. ठीक है, पोलोनियम यहाँ पे आपका कैसा होता है? मेटल होता है. सो नॉन मेटल्स नहीं होंगे सब, सब मेटलॉइड्स भी नहीं होंगे, रेडियो एक्टिव भी सब नहीं होंगे. पोलोनियम रेडियो एक्टिव है. पोलोनियम के जो नीचे एक और एलिमेंट आता है 116, जिसका एटॉमिक नंबर है, जिसका नाम होता है लाइवमोरियम. ठीक है, लाइवमोरियम या लिवमोरियम. ठीक है, तो ये भी कैसा है आपका? रेडियो एक्टिव होता है. तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव नहीं है. पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि आपका कोई एक जो एलिमेंट है वो अपने डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता हूँ. ठीक है, तो उसको पॉलीमॉर्फिक कहते हैं. पॉलीमॉर्फिक इट्स प्रॉपर्टी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन अपने दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. उसके दो ये फॉर्म्स होते हैं आपके, ऑक्सीजन एंड योर ओजोन. ठीक है, ये दोनों ही कैसे होते हैं? इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं. क्लियर? अच्छा, उसके बाद में क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आती हैं जो फिर मेटालिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. सल्फर अपने बहुत सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे कि अगर मैं बात करें तो रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सारे क्या होते हैं? इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, मोनोक्लिनिक या फिर रोम्बिक सल्फर, जिसे हम अल्फा सल्फर या फिर बीटा सल्फर भी कहते हैं. अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर. ठीक है, सेलेनियम की बात करें तो अगेन सेलेनियम भी क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक एग्जिस्टेंस शो करता है, यानी कि डिफरेंट मेटालिक कैरेक्टर के अंदर शो करता है. ठीक है, डिफरेंट मेटालिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे रेड फॉर्म अगर इसका बोले तो वो नॉन मेटालिक है, बट जो इसका ग्रे फॉर्म है वो मेटालिक नेचर का होता है. सो इसका जो ग्रे फॉर्म जो मेटालिक नेचर का है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर देगा. ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा. सिमिलरली अगर आप इसमें पोलोनियम की बात करो तो पोलोनियम के जो दोनों फॉर्म्स है अल्फा एंड बीटा फॉर्म, वो भी मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे. सो टेल्यूरियम में भी सेम सिचुएशन आ जाती है. टेल्यूरियम के अंदर भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है. तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. राइट, सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. आप देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर काफी सारी वैरायटीज होती हैं. 7 सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे वो मेटालिक भी हो सकता है, वो रोम्बिक भी हो सकता है, वो आपका क्या बोला था, जो सल्फर जो होता है हमारा अल्फा बीटा फॉर्म में जो होता है, मोनोक्लिनिक या फिर रोम्बिक शेप में भी हो सकता है. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. सो डी इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.